So today we are discussing what are the types of letters. Write down, when you take down notes, आपको समझ में आ जाता है question क्या होगा. Write down the question. What are the styles? What are the types of letters which you know? Types of letters. If you have any questions, you can ask, but do not disturb. The people who are talking, please leave the class. Leave the class. So first of all, we will understand what are the types of letters. Basically, broadly का मतलब होता है, broadly speaking, there are two types of letters. एक होता है formal और एक होता है informal. There are no types of informal letters. इनफॉर्मल लेटर का कोई टाइप्स नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल लेटर्स का बहुत सारे टाइप्स होते हैं. लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो दे आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, वन इज फॉर्मल एंड वन इज इनफॉर्मल. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज एन इनफॉर्मल लेटर? हाँ, जब आप बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जब आप अनऑफिशियल बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर राइटिंग टू योर फादर, when you're writing to your sisters, brothers, friends, relatives, जब कोई official dealing नहीं कर रहे हैं आप, कोई official बात नहीं हो रही है और अपने close relatives से बात कर रहे हैं, immediate family members से आप अगर letter लिख रहे हैं, तो this is an informal letter. Like, dear Rakesh, I hope you have reached Delhi safely. Please take care and don't move out without a mask. Take care. इसमें कोई रेफरेंस दिस दैट की जरूरत है क्या? है क्या? नहीं है. कोई लेटर की जरूरत है क्या? नहीं है. सो व्हेन यू राइटिंग अ पर्सनल लेटर, अगर का बहुत बड़े ऑफिशियल भी हैं एंड यू आर राइटिंग टू योर क्लोज रिलेटिव, तब भी आप ऑफिशियल लेटर पर नहीं लिखेंगे. आप प्लेन लेटर हेड पर लिखेंगे या आपने पर्सनल बनाएंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा, राइट? बहुत लोगों ने अपना पर्सनल भी बना के रखा हुआ है, लेकिन ऑफिशियल लेटर कभी भी अनऑफिशियल लेटर लेटर हेड पर नहीं जाता है, जिसमें कोई रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है. हाँ, डेट की ज़रूरत होती है. जब आप लिख रहे हैं चिट्ठी, तो मालूम होना चाहिए कि आपने किस डेट को लिखा हुआ है. सो इनफॉर्मल लेटर्स कैन बी रिटन इन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर टू क्लोज रिलेटिव्स. नहीं, वो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि आपका एड्रेस कहाँ है, ठीक है? हाँ, आप डेट लिख सकते हैं प्लेस, कि यू राइटिंग फ्रॉम जयपुर, यू आर राइटिंग फ्रॉम पटना, यू आर राइटिंग फ्रॉम दिल्ली, ताकि पाने वाले को पता चले कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है? अदरवाइज रेफरेंस की जरूरत नहीं है, इनसाइड एड्रेस जरूरत नहीं है, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, उसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इनफॉर्मल लेटर में नहीं होता है, लेकिन फॉर्मल लेटर में देर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेटर्स. फॉर एग्जाम्पल, कंप्लेन लेटर, ऑर्डर लेटर, रिक्रूटमेंट लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, टर्मिनेशन लेटर, कंप्लेन लेटर. So there are many types of official letters जो आप यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, और ऑलरेडी आप जानते हैं सारे ऑफिशियल लेटर्स हम लोग लिखते हैं इन ब्लॉक स्टाइल.
और कोई स्टाइल नहीं यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करेंगे. यू हैव अ चॉइस टू राइट इन ब्लॉक स्टाइल, यू हैव अ चॉइस टू राइट इन सेमी ब्लॉक स्टाइल और मॉडिफाइड, अप टू यू, आपके आपको जो सही लगता है वो आप लिख सकते हैं. लेकिन उसमें सारे इंक्लूड करेंगे दो ज़रूरी चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल लेटर हेड ज़रूरी है, इनसाइड एड्रेस ज़रूरी है, रेफरेंस अगर डालना है पहली बार डाल रहे हैं तो अपना रेफरेंस डाल सकते हैं उसमें आप ऑफिशियल लेटर्स में, सब्जेक्ट ज़रूरी है, बॉडी ज़रूरी है. बॉडी कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स. व्हाट आर द फर्स्ट थ्री पार्ट्स ऑफ द बॉडी? यस, द फर्स्ट विल बी इंट्रोडक्शन, द सेकंड विल बी व्हाट योर एक्सपेक्टेशन एंड हाउ यू वांट द रीडर टू रिएक्ट और टेक एक्शन, एंड थर्डली रिमाइंडिंग वंस अगेन ऑफ योर रिक्वेस्ट एंड क्लोजिंग लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, दैट्स इट. बेसिकली यही होता है. अगर आपने कुछ अटैचमेंट डाला है तो एनक्लोजर्स में आ जाएगा, सीसी आपने डाला है तो उनके नाम्स आ जाएंगे, पीएस डालना है तो दैट इज़ अप टू यू. अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ को रिमाइंड करें फिर से या अपने अपने लेटर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो पीएस करके आप लिख सकते हैं. पोस्ट स्क्रिप्ट इट मीन्स समथिंग यू वॉन्ट टू रिमाइंड आफ्टर थॉट. लेटर लिख लिया है मैंने और बाद में पीएस, प्लीज बी सीटेड बाय 5 o'clock, प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनी फ्लावर्स, प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनी गिफ्ट्स. ये आपका रिलेशनशिप को और मजबूत करता है जब आप लिख रहे होते हो. तो पीएस आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते. नोटा बेने, द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट स्क्रिप्ट एंड नोटा बेने क्या कि पोस्ट स्क्रिप्ट अनऑफिशियल में भी डलता है या और ऑफिशियल में भी डलता है, लेकिन नोटा बेने सिर्फ ऑफिशियल में डलता है. अब पोस्ट स्क्रिप्ट कैसे, एक बच्चा जो गया हुआ है हॉस्टल पढ़ने के लिए, वहाँ से अपने मदर को लिख रहा है कि डियर मॉम, आई हैव रीच सेफली एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी ओवर यू, the teachers are very good, my classmates are very helpful, I like the food and I think I would like my stay in hostel. Mujhe lagta hai ki I'm adjusting. Aur niche likhta hai your affectionately your son or your daughter. Aur PS karke likhta hai I love you mom, I miss home. लिख सकता है ना, तो क्या होता है उसकी चिट्ठी क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है कि पीएस करके आई एम मिसिंग होम फूड. खाना तो बहुत अच्छा मिलता ही है यहाँ पे, द फूड इज़ वेरी गुड बट आई एम मिसिंग होम फूड, पीएस आई लव यू मॉम, राइट. तो पीएस कैन बी रिटन इन अनऑफिशियल एंड ऑफिशियल, नोटा बेने, रिमाइंडर only official, right. So broadly speaking there are two types of letters. Ab question aata hai, what are the types of letters, discuss the types of letter or elaborate the types of letter. What will you write? There are broadly speaking two types of letters, formal and informal. An informal letter is one when we write to our friends, when we are writing to your close relatives, family friends, when we are not writing anything official, this is the formal letter which may have or may not have a format. Whereas an official letter is one, formal letters are one when we are dealing with official matters concerning with office, correspondence with office, any government organization. Supposing you are staying at home and the garbage is there or there is a lot of noise pollution
एंड समथिंग इज हैपनिंग विच इज नॉट राइट इन योर नेबरहुड, यू विल राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेन. विल दैट बी ऑफिशियल और अनऑफिशियल? आप घर से लिख रहे हैं, ये लेटर क्या होगा? किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहे हैं कि यहाँ बहुत कचरा जमा हो गया, उसको हटवाना है, या यहाँ कुछ परेशानी हो रही है, इसको नल पानी नहीं आ रहा आपके घर में एक हफ्ते से, तो आप लिखेंगे लेटर कंप्लेन का, तो विल दैट बी ऑफिशियल और अनऑफिशियल? बताइए. दैट विल बी ऑफिशियल बिकॉज आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लिख रहे हैं, यू आर कंप्लेनिंग दैट योर, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. तो दिस इज ऑफिशियल. डिड यू अंडरस्टैंड? ऑफिशियल अनऑफिशियल. But there are also a few types of letters based on their content. The formal letters, आप समझ लीजिए कि there are many types of letters, जो कि आप officially बहुत तरीका होता है. मैंने कहा ना complaint letter. अभी आपने क्या लिखा? आपने complaint letter लिखा. आप order letter लिख सकते हैं. आपको कुछ चीज़ें चाहिए आपके आपके ऑफिस के फर्नीचर्स के लिए, या आपके घर में आपको कुछ नया मंगाना है, फर्नीचर मंगाना है, बेड मंगाना है, वो लेटर क्या होगा? ऑफिशियल होगा या अनऑफिशियल होगा? फॉर्मल होगा. तो लेटर ऑफ ऑर्डर भी होता है. इट इज लेटर ऑफ ऑर्डर व्हेन यू आर ऑर्डरिंग समथिंग. आप कंप्लेन लिख रहे हैं, कोई आपकी गलत चीज़ आपके घर में आ गई है, कोई लेटर, कोई सामान जो प्रोडक्ट आपके लायक नहीं है, देन व्हाट विल यू राइट? कंप्लेन लेटर. दैट इज डिफरेंट. लेटर्स टू द एडिटर भी फॉर्मल लेटर होगा. ठीक है. नाउ डिफाइन व्हाट इज द फॉर्मल लेटर. टेक डाउन द नोट्स. जैसा मैंने अभी बताया, आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अ फॉर्मल लेटर, दीज लेटर्स फॉलो अ सर्टन पैटर्न ऑफ फॉर्मैलिटी. इट मीन्स इट हैज अ स्ट्रक्चर. एंड दे आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल इन नेचर. प्रोफेशनल मतलब वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं फॉर्मल लेटर्स. Any type of letter which is concerning any business is a formal letter. और कोई भी अथॉरिटी को, चाहे आप बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, लेटर टू द एडिटर, किसी भी अथॉरिटी को आप चिट्ठी लिख रहे हैं, तो सारे के सारे कैटेगरी में आ जाएगा फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स दीज आर पर्सनल लेटर्स, जो पर्सनल लेवल पे आप लिखते हैं. विच डज नॉट फॉलो एनी पैटर्न और विच डज नॉट हैव एनी रूल एंड रेगुलेशन और एनी फॉर्मेलिटीज. जान पहचान
पहचाने वालों को acquaintances, मतलब written to friends, दोस्तों के नाम, acquaintances, मतलब जान पहचान जिसके साथ आपकी, या किसी रिलेटिव को. The two types of letter written in blue are broadly speaking दो तरह का होता है, formal and informal. Formal letter types of होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जबकि informal letter बस एक ही तरह का होता है. Now we come to business letter. Business letters, as you already know, is written among or in any organization, for any organization, for any kind of official work. Among business houses, business correspondence. Generally contains commercial information such as quotation, order, complaint, claims letter. फॉर कलेक्शन, कहीं पैसे बाकी हैं कलेक्शन के लिए आप लिखते हैं. सच लेटर्स आर ऑलवेज स्ट्रिक्टली फॉर्मल एंड फॉलो अ स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ फॉर्मेलिटीज. आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सीखना है व्हाट इज़ अ कंप्लेन लेटर, व्हाट इज़ एन ऑर्डर लेटर, व्हाट इज़ अ क्लेम लेटर, कलेक्शन लेटर क्या होता है. बिजनेस लेटर जो होता है बिजनेस के बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी जाता है और अंदर भी. और फॉर एग्जांपल आप कहीं अप्लाई करते हैं ना, कहीं अप्लाई करते हैं, कहीं कुछ ऑर्डर करते हैं, कहीं कुछ क्लेम करते हैं. मैंने बोला ना जान पहचान वाले लोग, तुम कहाँ रहते हो मेरे पूछने के पहले मैंने बता दिया था. अक्वेंटेंसेस मतलब जान पहचान के लोग, जिसको तुम जानते हो. ऑर्डर पे क्या ऑर्डर में बिजनेस लेटर, तुमको खाना ऑर्डर करना है, बिजनेस नहीं हुआ उनका, तो बिजनेस हुआ ना. तुम लिख रहे हो तो तुम्हारा उनका तो बिजनेस होगा, तुम उसको पैसा दे रहे हो. दिस इज ऑल्सो कंसर्निंग बिजनेस, बिजनेस डीलिंग है. आप कुछ ओला, आप कुछ बेच रहे हैं अपना, कुछ बेच रहे हैं ऑनलाइन, दैट इज ऑल्सो बिजनेस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी दिस इज बिजनेस. आप एक सूट का कपड़ा, सूट लाइन टाप लेते हैं और जा करके आप उसको टेलर को देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिजनेस. आपका आप उनसे सर्विस लेते हैं और उनको फिर आप पेमेंट करते हैं,
हाँ दैट इज बिजनेस ऑल्सो, आप लिख सकते हैं, तुम लिखना शुरू कर दो. बिजनेस लेटर वो हुआ आपके जॉब के मुताबिक. डोंट बी स्टूपिड. जो भी ऑफिशियल, जो भी बिजनेस के लिए आप करते हैं, फॉर एग्जांपल यू अप्लाइंग इन अ कंपनी, आप कहीं अप्लाई करते हैं, वो बिजनेस है विच डील्स विथ मनी. सो बिजनेस लेटर्स, दिस लेटर इज रिटन अमंग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स. Generally contains commercial information such as quotations, orders, complaints, claims, letters for collection, etc. Such letters are always strictly formal and follow a structure and pattern of formalities. You have started a new business. आपने new business शुरू किया है और new office setup करना है, तो आप किसी company को लिखेंगे ना, आपको कितने almirahs चाहिए, कितने chairs चाहिए, कितने tables चाहिए. Order letter हुआ ना. So, any correspondence which is done formally, which deals with business, is a business letter. Official letter. Within the office ke andar ki baat hoti hai, official letter. This type of letter is written to inform office branches, subordinates of office information. It usually relays official information like rules, regulations, procedures, events or any other information. जो कि किसी office के अंदर की बात होती है, within the organization, वो होता है official. अंदर, बाहर नहीं जाता. हमारा क्या rules and regulations इस image में है, I will not talk about this to any other organization. ये हम लोगों के लिए है और इस within the organization के लिए ज़रूरी. This is strictly official. So there's a difference between business letter and official letter. ये भी official letter भी format होता है, उसका एक discipline होता है जिसको आपको follow करना होता है. सोशल लेटर, दे आर सम थिंग्स इंक्लूडेड विच इज मे बी मे नॉट बी इन योर बुक, तो नोट्स आप बना लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर. सोशल लेटर्स, कोई बता सकता है व्हाट आर सोशल लेटर्स? Social letters are a personal letter written on the occasion of a special event is known as social letter. Congratulatory letter, condolence letter, invitation letter, etc. are all social letters. Any kind of invitation. अब letter कहाँ होता है? After you write, you send a card. बहुत लोग card के साथ letter भी भेजते हैं. What do you mean by condolence letter? Condolence? Shama mangna. मतलब किसी का हादसा हो गया है तो दुख व्यक्त करना, कंडोल करना, कंडोलेंस लेटर. माफी नहीं, वो होता है अपोलॉजी लेटर. वो होता है अपॉलॉजी लेटर. सो हाउ कैन यू से कंडोलेंस इज एन अपॉलॉजी लेटर? आप मीनिंग लिख लो, हंसने से नहीं होगा. फर्स्ट सेमेस्टर में जो नहीं सीखा, आगे चल के दिक्कत होती है उनको. व्हाट डू यू मीन बाई कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर? बधाई.
बधाई का संदेश देना, कंडोलेंस दुख व्यक्त करना, हाउ विल यू राइट कंग्रेचुलेटरी लेटर? Dear Mr. Sharma, we are very happy to know that you have been selected, you have been appointed as a governor of Goa. Kuch bhi. Kisi ko badhai dena. Aap banao. Aap kaise likhoge? आपको हम एक बात बताते हैं, यू मेक अ कॉपी और जितने टाइप के लेटर्स आपको हम बता रहे हैं ना, सारे के सारे लिख के हमको दिखाइए. लुक, बिजनेस इंग्लिश एंड मैथ्स, लिटरेचर नहीं है कि कहानी पढ़ रहा, ये करना पड़ेगा आपको. ये कोई कहानी नहीं सुना रहे आपको, मैं बता रही हूँ फॉर्मूला और आपको इसको वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. हाउ विल यू राइट इनविटेशन लेटर? आई इनवाइटेड यू. फॉर्मल. आप जितने लेटर्स वहाँ पर कंसर्न है ना, सारे आप लिख के हमको दिखाएंगे. मेंटेन अ कॉपी एंड शो मी आफ्टर अ वीक. आप वर्क, आई वॉन्ट टू सी योर वर्क. ठीक है, आपने लिख के लिखा, अच्छा है. हम देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे. अब फैकल्टी रूम में रख दीजिएगा नीचे. विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास.